यूं तो कोरोना महामारी के चलते दुनिया में वैसे ही आफतें आई हुई हैं, मगर कुछ लोगों को चैन की ज़िंदगी से नफरत सी है। वो न तो अपनी ज़िंदगी चैन से गुजरने देना चाहते हैं और न ही दूसरे की। बिजनौर में त्रिमूर्ति चौक पर जूते चप्पलों की दुकानें करने वाले दो दुकानदार आपस में लड़ लिए और एक दूसरे को खूब धुना। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि अक्सर ये दोनों दुकानदार आपस में ऐसे ही लड़ते रहते हैं। इससे पहले भी इन दोनों ने एक दूसरे का सिर फाड़ दिया था, जिसमें काफ़ी पुलिस थाने हुए थे और बाद में इनमें समझौता करवा दिया गया। मगर इनका यह समझौता ऐसा ही होता है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ समझौता, कोई ना कोई सीज फायर का उल्लंघन कर ही देता है। भले ही ये दोनों एक दूसरे के एरिया में बम ना छोड़ते हों, मगर एक दूसरे के ग्राहकों को ज़रूर छेड़ देते हैं, जो इनके झगड़े का बड़ा कारण बनता है। बताया जा रहा है कि आज भी एक दुकानदार ने दूसरी दुकान के अंदर जा रहे ग्राहक को इशारे से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, बस यही इनकी लड़ाई का बड़ा कारण बना और खूब लात घुसे चले। मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस को देखकर एक तो भाग खड़ा हुआ और दूसरे ने पुलिस के सामने सारी बात रखी। बताया जा रहा है कि ये दोनों दुकानदार आपस में रिश्तेदार भी हैं। बिजनौर से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। नवेद, तुम यहाँ पे काम करते हो? तुम्हारी दुकान है? काम करता हूँ। क्या क्या वाक्य हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे एकदम से आए, इन्होंने सारा जितने उतने सब गिरा दिए और मेरा साथ को मारने लगा है, सारे इनके चेले वेले। अच्छा, तो ये कौन है, मतलब इनके रिलेशन में कौन है? नहीं, अलग अलग रहते हैं यार, इनका अजीब नाम है। अच्छा, किस बात पे झगड़ा हुआ था? झगड़ा का तो पता नहीं, कोई वजह थी जो झगड़ा होने की? इससे पहले भी कभी झगड़ा हुआ है? हाँ, यही करते हैं। इससे पहले भी झगड़ा हुआ है? भैया पता नहीं है, सुना है मैंने, मैं तो अभी आया हूँ, 3-4 महीने हो गए। अच्छा, तो अभी इनको थाने लेके गए क्या? हाँ, थाने लेके गए। क्या क्या नुकसान करा था, क्या क्या नुकसान गया यहाँ पे? इन्होंने डिब्बे उब्बे सब गिरा दिए, सारे डिब्बे उब्बे फोड़ दिए हमारे, और डंडे से मारा, यही मारा इनके लोन में, और पैसे भी सारे इनके जेब में रखे थे, सारे निकल गए। कितने पैसे थे? 15,000 रुपये थे। 15,000 रुपये कैश था? हाँ, वो भी ले लिए? हाँ, सारे निकल गए। आपको कहाँ कहाँ चोट आई है? भैया सबको मार रहे, पट मारे 2-3 बार। अच्छा, वजह का नहीं पता आपको, क्या वजह थी? वजह का नहीं पहले वहाँ पे, बस ये आप इनकी तो, हमारी तो छोटी दुकान है और इनकी जो है बड़ी है, बहुत सी दुकान है, मारते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। घर पे एक बार शिकायत करने का तो वहाँ भी मार दिया था इनको। मेरे तो बच्चे छोटे हैं, कोई भी लड़का तो संभला हुआ नहीं है मेरा तो। अच्छा, जो अभी आप उनके क्या लगते हैं, उनके जो भी आए हैं उनके क्या लगते हैं, उनके साथ झगड़ा हुआ है? दोनों का आपस में क्या रिश्ता, मतलब एक फैमिली का? अच्छा, झगड़ा किस बात पे होता है बार बार? डब्बे गिरा दिए हमारे मार के, और तो मेरे पापा ने बोला डब्बे क्यों गिराए आपने, तो उन्होंने उनको मुंह पर कूद मार के फिर अंदर ले आकर सीढ़ी पर सर उनका सर पर घोर दिया। झगड़ा करते हुए आप तो जान के पहुंची? आप थे वहाँ पे? आप वहीं पे थे? वो भाग गए खुद और उनका बेटा आया। इनके लड़का भी मार रहा है भैया, और इनके बाप भी दोनों मार रहे हैं। बताओ मेरे शोहर।